देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन में कई तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। वहीं राजधानी के एमआई रोड बाजार में भी दुकानें और शोरूम अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। हालांकि कई तरह की दुकानें शोरूम अभी भी बंद हैं और इस दौरान शहर के एमआई रोड बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका चौथा चरण का आज दूसरा दिन है और जो है सरकार लगातार जो है छूट दे रही है। कई तरह की दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है, उसमें कपड़े की दुकानें भी शामिल है। तो लोग जो है अब धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो रही है, लोग जो है कपड़े खरीदने के लिए भी आ रहे हैं, घरों से भी निकल रहे हैं, दुकानें भी खुल रही है। जयपुर के एमआई रोड बाजार के एक दुकान के शोरूम में खड़े हैं जहाँ पर खास तौर से शादी के लिए जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो कुछ लोग जिनकी शादी अटक गई है, हालांकि सरकार ने ये अनुमति दी है कि 50 लोग जो है एसडीएम की अनुमति से शादी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो इस लॉकडाउन के अंदर भी शादी करने को तैयार है। वो लोग यहाँ पर जो है अब खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी शॉपिंग जो शादी की अटकी हुई थी वो शॉपिंग अब शुरू हो चुकी है। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे ही एक जो वर्तमान में दूल्हे बनने वाले हैं, बताएं किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमें मौका दिया बाहर निकलने का और शादी की जो तैयारियां करने का हमें मौका मिला। ऐसे मेरी शादी 15 जून की है तो उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं और जो सरकार की गाइडलाइंस है हम वो पूरी फॉलो करेंगे। जो गाइडलाइंस है 50 लोगों के की जो हमें दिया गया है, सीमित व्यक्तियों की जो लिस्ट दी गई है उसी के अंदर हम वो पालना करेंगे। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही शादी करेंगे, लेकिन शॉपिंग का जो सरकार ने मौका दिया है लॉकडाउन के अंदर जो छूट देके वो कहीं ना कहीं जो है इनके लिए खुशी की बात है। हमारे साथ शोरूम के जो इंचार्ज है वो भी है, बताएं किस तरह की सावधानी है। कस्टमर पहले आ रहे थे तो अब क्या नया किया गया है, क्या सावधानी है, किस तरीके से कस्टमर एंट्री होगी और किस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस होगा? सर, हम लोगों ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करा है, जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी को लेके हम लोग एक एक चीज़ बिल्कुल हैंड टू हैंड कस्टमर का मेजरमेंट लेना, टेम्परेचर लेना, मास्क वेयर करवाना, सैनिटाइज करवाना, जो जो गवर्नमेंट ने जो जो इम्प्लीमेंटेशन दिया है, जो जो हम लोग को बताया, हम लोग सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कस्टमर के साथ। उस टाइम जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, जितने भी हमारे सेल्समैन हैं, उस टाइम पर एक ही सेल्समैन अटेंड करेगा, सिर्फ सारे मास्क लगा के विद अ ग्लव्स लगा के, दैट्स ऑल। मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, ऐसे कई तरह के तमाम जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमारे साथ इनके फैमिली के मेंबर भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताएं आप शॉपिंग के लिए पहुँचे हैं, इनके लिए क्या लगते हैं और क्या किस तरीके से दिखते हैं? सो ही इज़ माई ब्रदर एंड बहुत टाइम से वेट कर रहे थे शॉपिंग के लिए, कुछ खुले फाइनली आज 2-3 शॉप्स खुले हैं, सो वी हैव कम अक्रॉस शॉपिंग के लिए। एंड इसी तरीके से थोड़ा सब लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने और प्रिकॉशंस के साथ, आई थिंक डेली रूटीन की लाइफ स्टार्ट करें, सो काम भी चलता रहेगा एंड वील बी यू नो सेफ फ्रॉम कोरोना। तो शादी में किस तरीके से रहेगा, क्योंकि 50 लोगों की ही परमिशन अभी तक मिली है सरकार के, हालांकि अभी अगले महीने में है, तो उसके बाद आप किस तरीके से शादी को लेकर तैयारियाँ हैं? शादी को लेके हम लोगों ने ऐसे फाइनलाइज किया है कि जैसे 50 लोगों की लिमिट है तो 25 फ्रॉम ईच साइड, और उसमें जो जो आपके मेन मेंबर्स हैं वो आ जाएं, ज़्यादा लोग ना आएं, फ्रेंड्स फैमिली जितने पॉसिबल हैं उतने ही आएं और कम लोगों के साथ ज़्यादा एंजॉय करें। कम लोगों के साथ ज़्यादा एंजॉय करें, कुछ ऐसी ही उम्मीद के साथ जो है शादी की तैयारियों में जुटे हैं। सरकार ने मौका दिया है, दुकानें खुली रही है, धीरे धीरे जो है ज़िंदगी पटरी पर आने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लोग भी साथ दे रहे हैं, लोग सरकार की गाइडलाइन की भी पालना कर रहे हैं, साथ ही जो है जो भी नियम है सरकार ने कानून कायदे जो इस गाइडलाइन कोरोना को रोकने के लिए जारी किए उसका पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV जयपुर।